औरैया जनपद के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा पट्टी के ग्रामीणों ने लगभग एक सैकड़ा आवारा जानवरों को गांव के ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बंद कर दिया, जिससे पढ़ाई के दौरान अचानक ग्रामीणों द्वारा खदेड़े गए आवारा जानवरों को लेकर शिक्षक परेशान हो गए। लगातार आवारा जानवरों से फसलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सूचना पर कोतवाली पुलिस की ग्रामीणों ने एक न सुनी और स्कूल के गेट पर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष आवारा पशुओं के लिए समुचित प्रबंधन की मांग को लेकर एकत्रित होकर आश्वासन पर बैठ गए। मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जितने हमारे किसान भाई हैं, इनके या तो बच्चे अपने अपने एक नौकरी लगा लें तो हम सब लोग गाय बांधने को तैयार हैं, और यदि नहीं तो ये गाय जितने सरकारी कर्मचारी नौकरी सर्विस कर रहे हैं वो एक एक गाय सरकारी कर्मचारी सब बांधे, और नहीं तो मेरे किसानों की नौकरी लगा ली जाए। हम गाय के बांधने के जिम्मेदार हूँ, मैं बाधा के साथ कहता हूँ। आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए? हम इसलिए इकट्ठे हुए कि हमारी जनता का सारा नुकसान हो रहा है, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। मेरे बच्चे को सांड मारते हैं, मेरी महिलाएं हार में चारा लेने जाती हैं, उनको सांड रपिया लेते हैं। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ किसी का कोई विकल्प नहीं है। हम लोग प्रयास कर करके हार गए, जब तब आज हमने इतनी जनता इकट्ठी करवाई है। घनश्याम सिंह, घनश्याम सिंह जी, क्या मामला हुआ है? जैसे आप गाय यहाँ करी तो दरोगा जी कहते हैं कि ये सब निकालो, और वो कहते हैं कि भैंसों को ये भी सांड परेशान करते हैं। सर परेशान करते हैं, प्रधान जी से दरोगा जी कहते हैं कि तू गांव का प्रधान है, तो प्रधान जी कहते हैं तभी से सर बात करो, वो सर सर बात कर रहा है, वो गाली दे रहा है, इस तरह से सबको गाली गलौज कर रहे। मैंने गाड़ी भी नहीं जाने देते मनीष, उसे कहा कि तू ज्यादा बोलता है तो तुझे भी लात मारूंगा, उल्टा सीधा बोलते हैं बार बार।